हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नम्स रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगी कि दानेदार सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं, उसका सही तरीका क्या है बनाने का। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं इस दानेदार सूजी का हलवा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पैन लेंगे और इसमें 1 बाउल या 1 कप सूजी रोस्ट करेंगे हम बिना घी डाले। इसको हमको रोस्ट करना है ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको धीरे धीरे से रोस्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से पके, जले ना। और एक साइड हम क्या करेंगे, इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो ये 2 ग्लास मैंने पानी लिया हुआ है और इसमें जितना हम सूजी डालेंगे उतना ही इसमें शक्कर डालेंगे। तो 1 बाउल मैंने शक्कर लिया हुआ है, इसको सिर्फ हमको घोलना है, इसको चाशनी नहीं बनाना है। तो टाइम टाइम पे हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे सूजी में अच्छे से, और इसको ब्राउन होने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। तो आप ऐसे बनाएंगे तो दानेदार सूजी का हलवा बिल्कुल बनेगा आपका। और ये तब तक रहेगा जब तक आप चाहो, ये टाइट जैसे हो जाता है हलवा वैसा नहीं होगा, ये सॉफ्ट ही रहेगा। तो ये देखिए शक्कर इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो हम फ्लेम इसमें इसको ऑफ कर देंगे फ्लेम को हम। ये देखिए धीरे धीरे से इसका कलर चेंज हो रहा है, तो हमको इसको अच्छे से चलाते हुए हमको इसको रोस्ट करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएगा, मीन्स तुरंत ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये अच्छे से पकेगा नहीं, अच्छे से रोस्ट नहीं होगा। तो हमको इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर, ये देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है, तो हमको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक, थोड़ा ब्राउन होने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। ये देखिए ये हो गया है, अब इसको हमको प्लेट में निकाल देना है, फिर हम इस पैन पे दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, आपको घी जितना पसंद हो, मैंने 2 टेबल स्पून लिया है घी, हम इसमें डालेंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स हम ले रहे हैं उसको डालेंगे। तो पहले मैंने काजू थोड़ा डाला इसमें रोस्ट करने के लिए, फ्राई करने के लिए, और फिर इसमें बादाम डालेंगे हम, और एंड में हम इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश पहले नहीं डालना है, एंड में डालना है। तो ये देखिए इसको बस हल्का हल्का सा ऐसे फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, नहीं तो फिर ये कड़वा लगने लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से, और इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश ऐड करने के तुरंत बाद ही हम इसमें सूजी डाल देंगे जो हमने रोस्ट किया हुआ है। तो ये देखिए इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है इस तरह से, और 1 मिनट के लिए हम इसको इसी घी पे पकने देना है हमको, सिर्फ 1 मिनट के लिए। और ये सारा प्रोसेस हमको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम पे हमको नहीं बनाना है ये। तो जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो हम इसमें जो चासी हमने तैयार किया हुआ है शक्कर का घोल, वो हम इसमें डालेंगे, और इसको 2 से 3 बार करके डालेंगे हम, एक साथ नहीं डालेंगे इसको। तो ये देखिए ऐसे इस तरह से मिलाते जाएंगे। आप इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से वो केसरिया रंग आने लग जाता है अगर वो आप ऐड करते हैं। वो कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्कीप करिए इसको। तो ये देखिए धीरे धीरे करके हमको इसको डालना है चाशनी को, और सारा चाशनी डालने के बाद हम इसमें इलायची का पाउडर इसमें डालेंगे। 4-5 इलायची मैंने पीस करके इसमें डाला हुआ है। तो ये अच्छे से हम इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे अच्छे से। तो ये थोड़ा छिटकने लगता है, तो आप ध्यान से इसको बनाइए। हाई फ्लेम में करेंगे तो फिर ये ऑब्वियसली ये पूरा बाहर छिटकने लगेगा। तो ये देखिए धीरे धीरे कर करके सारा चाशनी इसने सोख कर लिया है।
तो ऐसे ही बनाइए आप भी। ये देखिए काफ़ी दानेदार बना हुआ है, तो ऐसे ही बनेगा आपका भी हलवा। तो आप इसी प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो आपका हलवा दानेदार ज़रूर बनेगा। और ये हलवा टाइट भी नहीं होगा, ऐसे ही सॉफ्ट बना रहेगा। तो आप भी बनाइए और इसको सर्व करिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कैसे दानेदार, कितना अच्छा बना हुआ है, कितना सॉफ्ट बना है। तो इसको सर्व करिए। और अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आता है, मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।